ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने बात की छह राशियों की, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन जो पर्सनल मैटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो पोजीशंस हैं उसको लेकर भी आज आप में उत्साह बना रहेगा, शुभ काम की संभावना है। वाणी पर जरूर आज आप संयम बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पीने के पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो बीती हुई बातें हैं उनसे आगे निकलने का प्रयास कीजिएगा, आपको ही फायदा होगा। ध्यान रखिए, भाग्य जो है वो कर्म से जुड़ा है और कर्म कोई भी छोटा नहीं होता है, इस फलसफे को बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका काम में थोड़ा सा मन कम लगेगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। हर कार्य को ध्यान रखिए, हर कार्य अपनी गति से ही और अपने समय से ही पूर्ण होगा, आपके जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। धैर्य बनाए रखें, सहनशीलता बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को हरा चारा और गुड़ अवश्य खिलाइएगा। पंडित जी, अभी के लिए ऋतु जी जुड़ गई हमारे साथ भीलवाड़ा से, अपने भाई गौरव के लिए पूछना चाहती हैं, लव गौरव के लिए। उनकी जन्म की तारीख है 23/4/1991 और जन्म का समय है सुबह का 9:12 का। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी। हाँ बेटा। मैं अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनका शादी का योग कब तक है? बेटा, आपके जो ब्रदर इन लॉ के आपने जो जन्म कुंडली भेजी है उसमें दो चीजें हैं, एक तो अश्लेषा नक्षत्र का इनका जन्म है, गणमूल नक्षत्र कहलाता है ये। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है, यदि वो आपके सास ससुर ने करा ली है तो अति उत्तम है, अगर नहीं करवाई है तो अश्लेषा नक्षत्र की वहीं भिलवाड़ा में किसी योग्य आचार्य से बात करके शादी करवा दीजिए, ये कर गणमूल शांति करवा दीजिएगा। कुंडली बहुत अच्छी है इस बच्चे की, गज केसरी योग है, चंद्र गुरु का गज केसरी योग, सूर्य उच्च का होकर बैठा है जन्म कुंडली में, लाभ स्थान में शुक्र स्वग्रही है, लेकिन इसके दाम्पत्य घर में राहु बैठा है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसके विवाह के लिए जाएं तो उससे पहले किसी योग्य आचार्य से आप इसकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि इसकी कुंडली में इस तरह का योग बनता है। एक तो भारी मांगलिक है, मंगल भी और शनि भी है, कहीं ना कहीं पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद का योग बनता है। जहाँ तक विवाह का सवाल है, अगले साल सन 2016 में का जो लास्ट है सितंबर अक्टूबर, वहीं पर जाके इसका विवाह का योग बनता है, लेकिन तय अगले साल की शुरुआत में हो सकती है इसकी शादी। पंडित जी, अभी के लिए मीनाक्षी जी जुड़ गई हैं अजमेर से हमारे साथ। उनकी जन्म की तारीख है 31/8/1989 और जन्म का समय है सुबह का 6:30 का। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्ते। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मेरी करियर और शादी के लिए कुछ पूछना चाहती थी, करियर कब तक मेरा बन पाएगा, मैं मतलब कब तक कुछ नौकरी वगैरह के चांसेस हैं और कब मेरी शादी होगी? बेटा मीनाक्षी, आपका एक तो जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, चतुर्थ चरण में, मैत्रेयी आपका नाम था, नाम निकला बचपन में। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते ही 27 दिन में इसकी शांति होती है। आपके माता पिता से पूछिएगा और अगर उन्होंने करवा दी है तो अति उत्तम है, नहीं तो एक बार इसको करवा लीजिएगा। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, बुध आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा शुभ ग्रह माना जाता है। साथ में चार ग्रह आपके एक साथ, सूर्य मंगल केतु चंद्रमा, ये चार ग्रह आपकी जन्म कुंडली में एक साथ बैठ गया। सूर्य केतु ग्रहण योग बनाता है, चंद्र मंगल शुभ योग बनाता है। थोड़ा सा डिसीजन लाइफ में केयरफुली लीजिए, यू आर सो ब्रिलियंट, आप लाइफ में बहुत राइज कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ समस्या ये है, तो आपके कैरियर हाउस का जो ऑनर है वो शुक्र नीच का है, वो कहीं ना कहीं आपके स्थायित्व में, नौकरी में स्थायित्व में दिक्कत पैदा करता है। एक तो डायमंड कभी नहीं पहनना है, कोशिश कीजिए हर शुक्रवार को चींटियों को आटा बूरा कुछ खिलाएं, एक कन्या को भोजन अवश्य करवाएं। जहाँ तक विवाह का योग का सवाल है, इस वर्ष के अंत तक अगले वर्ष की शुरुआत में, अभी 16 जुलाई से आपका एक बेहतरीन समय शुरू हो चुका है और जुलाई 2016 से पहले पहले आपका विवाह हो जाएगा। नियमित रूप से तुलसी जी की आराधना अवश्य कीजिए। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, कामना जी है चित्तौड़गढ़ से, अपने बेटे चिन्मय के लिए पूछना चाहती हैं। चिन्मय की जन्म की तारीख है 1/9/1996 और जन्म का समय है 12:45 का।
कामना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। कामना जी अपना सवाल पूछिए। मैं अपने बेटे के लिए। हाँ पूछिए कामना, क्या पूछना चाहते हो बेटा? राधे राधे। श्री राधे बेटा। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ कि उसे 12th कर लिया है, उसके बाद में इसको किस फील्ड में भेजें। अभी क्या किया इसने? इसने 12th पास कर लिया। क्या सब्जेक्ट थे इसके पास? सब्जेक्ट क्या थे इसके? सब्जेक्ट साइंस मैथ्स था। साइंस में। और चित्तौड़ में बारिश वारिश हो रही कि नहीं हो रही? अच्छी हो रही है। अच्छा देखो बेटा, इसकी कुंडली अच्छी है, अश्वनी नक्षत्र का जन्म है इसका, गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं, पैदा होते 27 दिन में पूजा होनी चाहिए। हो सकता है आपने करवा दी हो, नहीं करवाई हो तो करवा लीजिएगा उस पूजा को। कुंडली बहुत अच्छी है इसकी, बुध उच्चिका है और सूर्य स्वग्रही होके नौकरी के क्षेत्र में बैठा। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें आगे तो इसको सक्सेस मिल सकता है, सरकारी नौकरी में IAS बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है। ग्रहों में कोई कमी नहीं है, ग्रह बहुत अच्छे हैं इस बच्चे के, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मंगल इसकी कुंडली में नीच का है, थोड़े डिसीजन केयरफुल ले और रोज नियमित रूप से 7 बार हनुमान जी के नाम से तो पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का, नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाए। बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आप चिंता मत कीजिए, सक्सेस मिलेगी इसको, इसका समय भी बहुत अच्छा है। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो आपका वर्किंग एरिया है उसमें कई प्रॉफिटेबल आपको चांसेस मिल सकते हैं, जिनका आपको भरपूर लाभ उठाना है। धन लाभ के योग हैं, साथियों के साथ टकराव से बचेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बच्चों में बिस्कुट के पैकेट बांटिएगा। अगली जो राशि वो कुंभ राशि, आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। हर सिचुएशन को लेन देन के नज़र से मत देखा करिए, वही करें जो आपको उचित लगता हो। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाइएगा। अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ सडन चेंजेज हो सकते हैं और वो चेंजेज आपके लिए अच्छे रहेंगे। नए लोगों से मुलाकात होने के आसार हैं, जिनके साथ कोई नए रिश्तों का आरंभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। आज मैं आपको संपुटित महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। यह जो महामृत्युंजय मंत्र है, भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी असीम कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। इस मंत्र के 1,25,000 जाप यदि आप निरंतर कर लें तो निश्चित तौर पर आने वाली या मौजूदा कोई लाइलाज बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं, थैलीसीमिया जैसी बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों को दूर किया जा सकता है। अनिष्टकारी ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इस मंत्र के माध्यम से अटल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। बहुत बार सुना होगा, इसका संपुटित आज मैं आपको रूप बता रहा हूँ, लिख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए। ओम होम जूम सह ओम भूर भुव स्व ओम तम्बेकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकम बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् भूर भुव स्व रोम जूम सह ओम। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। अर्थ यह है कि भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं, वो भगवान शंकर ही इस संपूर्ण जगत के जो पालन पोषण करता, जो मान उनको माना गया है, उनसे हमारी प्रार्थना है कि मृत्यु के बंधनों से हमको मुक्त कर दे, मोक्ष की प्राप्ति हो। जिस प्रकार एक ककड़ी अपनी बेल में पक जाने के बाद में बेल रूपी संसार के बंधन से स्वतः ही मुक्त हो जाती, अपने आप गिर जाती, उसी प्रकार हमें भी संसार रूपी बेल में पक जाने के पश्चात में जन्म मृत्यु के बंधनों से सदा के लिए मुक्त कर दें और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप में ही हम विलीन हो जाएं। तो आने वाले सावन के महीने में इस मंत्र का जाप कीजिएगा, निश्चित तौर पर गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।